सो गाइस फ्लिपकार्ट की पीपीटी सेल और अमेज़न की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल, ये दोनों ही सेल की ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुकी है, डेट्स वगैरह में पता चल चुकी है। इसके साथ साथ आपको पता होगा कि इसी सेल के अंदर सबसे ज्यादा आपको डिस्काउंट्स देखने को मिलते हैं, स्पेशली आईफोन्स के ऊपर। लेकिन ये डिस्काउंट्स आपको तभी मिलते हैं जब आपके पास होता है राइट क्रेडिट कार्ड, क्योंकि इन क्रेडिट कार्ड की मदद से आपको आईफोन्स जो है वो ईएमआई के ऊपर तो मिलते ही है। इसके साथ साथ आपको 2.5 से लेकर 3,000 का डिस्काउंट भी मिल जाता है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि दोनों सेल जो है वो ऑफिशियली अनाउंस हो चुकी है, इनके पोस्टर वगैरह भी अनाउंस हो चुके हैं। सो यहाँ पे हमें बैंक डिस्काउंट्स के हमें पता चल गया कि किस बैंक के ऊपर तगड़े डिस्काउंट्स आने वाले हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे पास ऑलरेडी अब आ चुकी है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फ्लिपकार्ट की बीबीडी सेल की, तो फ्लिपकार्ट की बीबीडी सेल के अंदर अगर आप कोई भी आईफोन को परचेज करना चाहते हो या फिर किसी और प्रोडक्ट को भी, तो आपके पास एक कार्ड होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिस कार्ड का नाम है फ्लिपकार्ट एक्सिस क्रेडिट कार्ड। इस कार्ड की वजह से आपको ईएमआई, नो कॉस्ट ईएमआई तो मिलेगी, इसके साथ साथ आपको 5% का अनलिमिटेड डिस्काउंट मिलने वाला है, जो कि आईफोन 15 के ऊपर लगभग 2.5 से लेकर 3,000 का डिस्काउंट बन जाता है। इसके अलावा कार्ड के ऊपर एक और कार्ड के ऊपर आपको डिस्काउंट मिलेगा, जिस कार्ड का नाम है एचडीएफसी कार्ड। अब एचडीएफसी के साथ आपको एक बेनिफिट ये मिल जाता है कि एचडीएफसी के डेबिट और क्रेडिट दोनों ही कार्ड्स के ऊपर आपको डिस्काउंट वगैरह देखने को मिलेंगे। ऑल्दो मैं आपको पहले ही बताया था कि डेबिट कार्ड जो होता है ना, उसके ऊपर इतने तगड़े डिस्काउंट आते नहीं है, कुछ लिमिटेशन होती है 1,000-1,200 तक की, लेकिन क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपको 10% के इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिल जाएंगे। सो अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट या फिर आईफोन फ्लिपकार्ट से परचेज करना है, देन डेफिनेटली आपके पास या तो एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड होना चाहिए या फिर फ्लिपकार्ट एक्सिस क्रेडिट कार्ड होना ही होना चाहिए। दोनों ही कार्ड्स के लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल के रखे हैं, डायरेक्टली वहां से जाके आप अप्लाई कर दो, कहीं बैंक वैंक जाने की आपको जरूरत नहीं है। लिंक पे क्लिक करो, अपनी डिटेल्स फिल करो, बैंक की तरफ से आपको केवाईसी की कॉल आ जाएगी, 5 से लेकर 7 दिन के अंदर ही आपको ये वाले कार्ड जो है वो मिल जाएंगे। अच्छा, काफी लोगों के कमेंट्स आते हैं कि फ्लिपकार्ट एक्सिस क्रेडिट कार्ड के अंदर 15-20 हज़ार की लिमिट होती है, तो हम आईफोन कैसे ले सकते हैं, या तो हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है? तो देखो, यहाँ पे किसी को कोई बेवकूफ नहीं बनाया जा रहा। क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट होती है ना, वो आपके सिविल स्कोर पर डिपेंड करती है। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा होगा, देन डेफिनेटली 1,00,000 से 1.5 लाख तक की लिमिट बड़े आराम से मिल जाती है। तो ये सब चीज सबके सिविल स्कोर, सबकी सैलरी वगैरह, इन सब के ऊपर डिसाइड करता है। मेरे पास खुद भी फ्लिपकार्ट एक्सिस क्रेडिट कार्ड है, जिसकी लिमिट 1.5 लाख की है। इसके अलावा भी काफी सारे कमेंट्स आते हैं, किसी की 1 लाख की लिमिट होती है, किसी की 1.5 लाख की लिमिट होती है। अगर आपको कम लिमिट मिली है, तो एक बार बैंक को कॉन्टेक्ट कर लो। वैसे तो आपको धीरे धीरे अपने सिविल स्कोर को मेंटेन करना पड़ता है, और इसके साथ साथ क्रेडिट कार्ड से कुछ चीजें परचेज करनी पड़ती है, उनकी पेमेंट करनी पड़ती है टाइमली, जिसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। अगर तो आपके पास पहले से कार्ड था, तो अब तक आपकी लिमिट बढ़ जाएगी। स्टिल मैं ये कहूंगा, एक बार अपने बैंक को आपको कॉन्टेक्ट करना चाहिए, आपकी लिमिट शायद वो बढ़ा दे सेल से पहले, क्योंकि सेल में ज्यादा टाइम बचा नहीं है। जो भी करना है आज ही करो, किसी कार्ड के लिए अप्लाई करना है तो आज ही उस कार्ड के लिए अप्लाई वगैरह कर दो। इसके अलावा अगर आपको अमेज़न की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल के अंदर कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करना है, देन आपके पास एसबीआई के कार्ड्स होने यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एसबीआई के भी डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड दोनों के ऊपर आपको डिस्काउंट्स देखने को मिलेंगे, लेकिन डेबिट कार्ड के ऊपर वही बात आ जाती है, 1,000-1,200 से ऊपर आपको डिस्काउंट्स नहीं मिलने वाले, नो कॉस्ट ईएमआई वगैरह भी नहीं मिलती। लेकिन क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है एसबीआई का, देन आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाता है, और ये डिस्काउंट भी 2.5 से लेकर 3,000 तक जाने वाला है अमेज़न के ऊपर। तो एसबीआई का क्रेडिट कार्ड आपके पास होना ही होना चाहिए अगर आपको अमेज़न से कोई सेल में परचेज करना है। लिंक मैंने इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा है, डायरेक्टली वहां से जाके अप्लाई कर दो। वैसे एसबीआई का क्रेडिट कार्ड काफी ज्यादा कॉमन होता है आपके पास, नहीं तो आपके फैमिली में किसी के पास होगा ही होगा। इन कार्ड्स को यूज करना चाहिए इस बार की सेल के अंदर, तभी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट्स मिलेंगे, अदरवाइज आपको ये फ्री के जो 2,500-3,000 रुपए होते हैं ये डिस्काउंट नहीं मिलने वाला। और हाँ, इसके अलावा भी काफी लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि जो डिस्काउंट मिल रहा है ये कैशबैक कब आएगा? तो देखो, यहाँ पे कोई भी कैशबैक नहीं होता, उसी टाइम में से आपके टोटल में से ये अमाउंट डिडक्ट कर लिया जाता है। फॉर एग्जांपल, आपको 50,000 का आईफोन 15 मिला, 3,000 का उसके ऊपर क्रेडिट कार्ड का डिस्काउंट है, तो आपको उसी टाइम पे वो माइनस हो जाता है और आपको पे करने पड़ते हैं 47,000 रुपीज। और ईएमआई वगैरह भी आपको इन्हीं क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू मिलने वाली है। इन्होंने पोस्टर वगैरह तो लगा दिए नो कॉस्ट ईएमआई के, लेकिन पता नहीं अभी आईफोन के ऊपर आते हैं या फिर नहीं आते। और इसके अलावा भी आपको अलग अलग चॉइस मिल जाती है, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने, अलग अलग मंथ्स की आप यहाँ पर ईएमआई बना सकते हो। तो अगेन मैं यही कहूंगा, फ्लिपकार्ट के अंदर एचडीएफसी और एक्सिस, वहीं अमेज़न के ऊपर आपको एसबीआई का क्रेडिट कार्ड होना मस्ट हो जाता है। लिंक मैंने इन कार्ड्स के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आज ही जाओ अप्लाई कर दो। अगर मेरे लिंक से अप्लाई करोगे तो मुझे थोड़ा फायदा हो जाएगा, आपको इससे कोई नुकसान नहीं है। इवन बैंक में जाओगे तो उससे ज्यादा जल्दी ये ऑनलाइन वाला काम होता है। काफी सारे सब्सक्राइबर्स मेरे ऑलरेडी ये क्रेडिट कार्ड्स को ले चुके हैं, और वो बताते हैं कि कितनी जल्दी 5 से लेकर 7 दिन के अंदर ही हमें क्रेडिट कार्ड मिल गए, और सेल शुरू होने में ज्यादा टाइम बचा नहीं है। तो मैं तो कहूंगा आज के दिन जब ये वीडियो देख रहे हो तभी अप्लाई कर दो, अदरवाइज सेल खत्म हो जाएगी तो आप इन क्रेडिट कार्ड्स को यूज ही नहीं कर पाओगे। बाकी कोई भी अगर आपके डाउट होते हैं क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड, आईफोन से रिलेटेड या सेल से रिलेटेड, तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे किसी कंटेंट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।